हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली अग्रवाल। मेरा जो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ मेकअप हैक्स बताऊंगी जिन्हें आप मल्टीपल वेज में अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फैशन ब्लॉगर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, हम मस्कारा को आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मस्कारा को आप अपने आईलैशेस को थिकन करने के लिए कर्ल करते हैं। इसके अलावा आप इसे आईलाइनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप आईलाइनर ब्रश में थोड़ा सा मस्कारा वाउंड में से लें और इस तरह आप इसे आईलाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप आईलाइनर को स्मोकी आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आईलाइनर को अपने आईज़ के आउटसाइड कॉर्नर्स पर लगाएं। अब इसे ब्लेंड करने के लिए जेंटली अपने फिंगर्स से टैप करें जिससे प्रोडक्ट अच्छे से स्मज हो जाए। जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका आईलाइनर लाइट हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आई शेडो को आप अपने आईब्रोज पर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी लगे। इसके लिए आप ब्रश या कॉटन स्वैब्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट हैक है। ब्लश लगाने से कोई भी चेहरा एकदम से अच्छा लगने लगता है। यदि आपके पास ब्लश नहीं है तो आप कोई भी लिपस्टिक या लिप लाइनर या फिर लिप बाम भी यूज़ कर सकती हैं और इसे अपने चीक्स पर लगाएं और इसे अच्छे से ब्लेंड करें। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई भी चेहरा एकदम से अच्छा लगने लगता है ब्लश लगाने से। इसमें आपको फिंगर्स का यूज़ करना है और इसे लगाने के बाद स्किन फ्लॉलेस लगने लगती है। अब देखिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, हम ब्लश को आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी फिंगर्स को अपनी ब्लश पैलेट में डैप कीजिए। आपकी ब्लश पैलेट क्रीम पाउडर या लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो, इसे अपनी आईलेट्स के सेंटर पार्ट पर लगाइए। इसे आप यदि चाहें तो सिर्फ क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं और अपने आईलेट्स के सेंटर पार्ट को छोड़ सकते हैं। इससे एक अच्छा कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ये हैक आपको शायद थोड़ा सा सिली लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अपने आईब्रोज में थोड़ा सा जेल या लिप बाम का यूज़ करने से बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड लगती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से सीरम का यूज़ करने से हेयर्स बेटर लगते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी फिंगर्स या कॉटन स्वैप का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।